क्वेश्चंस रेडी है तो मेरा घबरा नहीं दिखा रहे हो लाइक हार्ट जैसा लकी जी सारा खान जो है उनका नया जो म्यूजिक एल्बम है वीडियो एल्बम उसके लिए आप शुभकामनाएं देने के लिए आई हूं क्या कहना चाहेंगे या बिल्कुल आज सारा खान मेरी बेस्ट फ्रेंड है माय डार्लिंग माय स्वीट हार्ट माय बडी और आज उसके वीडियो का लॉन्च है और उसके वीडियो का नाम है ब्लैक हार्ट एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्लैक कॉस्ट्यूम यू नो इसलिए तुम्हारा ज्यादा हार्ट ब्लैक क्या हो सकता है मेरा ध्यान भी वहीं जा रहा है एक्चुअली मैं को रोक नहीं पा रहा हूं आई डोंट नो व्हाई तुम्हारा तुम्हारा इसके ईशान की नजर हार्ट पे जा रही है पता नहीं कहां जा रही है यू नॉटी डोंट डू दिस सो आई वांट टू से दैट के सारा ने सिंगिंग किया है इसमें शी संग सो नाइसली आई लव हर वॉइस एंड वीडियो इज अमेजिंग स्पेशली हर लुक्स स्पेशल एंड इट्स लुकिंग इंटरनेशनल एकदम इंटरनेशनल आफ्टर सो लॉन्ग एक वीडियो ऐसा इंडिया में है जो बहुत इंटरनेशनल दिख रहा है एक्चुअल में सारा इज लुकिंग अमेजिंग इन द वीडियो एंड संग बाय सारा तो ब्लैक हार्ट जो जितने भी लोग हैं वो जरूर देखे भी और सुने भी बिकॉज आप एक पल में आप जज ना करें बिकॉज उसे गाना पड़ता है उसे सिंगिंग करना पड़ता है सीखना पड़ता है एंड उन्होंने पूरा फ्रॉम हर हार्ट इज रेड बट ब्लैक हार्ट किसे कहते हैं मैं बताऊँ ब्लैक हार्ट उसे कहते हैं जो पीछे से बिचिंग होती है जो लोगों की ब्लैक हार्ट होते हैं यू नो जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हूँ अब कितने लोग मेरे पीछे बिचिंग कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड ब्लैक हार्ट यूपी बिहार हिल रहा है यूपी बिहार कुछ ज्यादा हिल रहा है हाँ मैं काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा आइटम सॉन्ग मैंने लेकर आई हूँ लेकिन थैंक्स टू मंदाकिनी जी बिकॉज शी इज़ माई प्रोड्यूसर सिंगर माई सिस्टर एवरीथिंग कि उन्होंने मुझे ये गाना भेजा सुनाया एंड मैं तो बिल्कुल उछल गई मेरे ठुमके पे यूपी बिहार इतना अच्छा लगा मुझे और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बिकॉज मेरे DNA में यू नो डांस है तो मैंने कहा नहीं मंदाकिनी जी अमेजिंग सॉन्ग है और इनकी इच्छा थी कि वो गाना जब बना रही थी तो वो मेरे बारे में ही सोच रही थी कि आई विल डू दिस सॉन्ग विद राखी एंड जब उनका विश्वास मुझ पर था तो इनके विश्वास पर मैं कितनी पूरी उतरी हूँ वो वही बताई नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल राखी मेरे माइंड में अभी नहीं राखी मेरे माइंड में लास्ट 10 ईयर्स से थी और कि कभी भी मैं आइटम सॉन्ग बनाऊँ तो मुझे राखी के साथ बनानी थी ये मैंने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ क्योंकि रियली मतलब मैं बताऊँ कि आइटम नंबर की जब बात आती है तो इंडस्ट्री में हमेशा राखी ही मेरे नज़र मेरे लिए तो राखी आती है और ऑब्वियसली आप सबके लिए आती है और इस 56 जोड़ी तो राखी जी के सिवा कोई नहीं कर सकते थे जो इन्होंने अपना अदाएँ जो डांस जो कातिलाना अंदाज थे इस पूरे सो इनके जैसा किसको ही नहीं कर सकते नहीं बट थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना अच्छा बजट दिया कॉस्ट्यूम सेट इतना अच्छा लगा और विद इन 1 डे हमने ये शूट को किया 3 चेंजेस किए और इतने बहुत सारे डांस 40 डांसर्स 50 डांसर्स के साथ में हम लोगों ने ये सॉन्ग शूट किया एंड आई होप आई क्रॉस माय फिंगर के पब्लिक को बहुत पसंद आएगा क्योंकि 56 छुरी है मैं हूँ 56 छुरी और मुझे वही इंसान प्यार करेगा जिसकी 56 इंच की छाती राखी कैसा आपको गाना ऑब्वियसली कोरियोग्राफी बहुत लैविश स्केल पे हुआ है पूरा दिन एक दिन 3 चेंजेस मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मंदाकिनी जी का श्री भगवान करे पूरे बॉलीवुड में ऐसे प्रोड्यूसर मिले कि उन्होंने सब कुछ मेरे पे ही सौंप दिया कि राखी तुमको अच्छा सेट लगवाना है ये मेरा यूपी का ऐसा बहुत ही अच्छा फील है और कॉस्ट्यूम आपको क्या पहनना पहनो मेरी तरफ से पूरी छूट है तो मतलब अच्छे कॉस्ट्यूम दिए और राजीव ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द वीडियो राजीव खैची संजय उन्होंने कोरियोग्राफी की है अक्रम खान उन्होंने यू नो ही वॉज DOP कैमरामैन तो सब ने मिल के एक बजट में अच्छा सॉन्ग कर दिया मुझे लगता है कभी कभी पूरी फिल्म करते हो तो आपको लड़की नज़र नहीं आती हीरोइन एक गाना कर दो काफ़ी हो जाता है यू नो
हाँ बहुत जरूरी है। और जहाँ पे मंदाकिनी को भी इसमें फीचर करवा दिया वीडियो में, विच बहुत अच्छा लग रहा है। मंदाकिनी जी तो चाय से ज्यादा किटली गर्म है। मुझसे अच्छा आप डांस करती हो, गाती भी हो, डांस भी करती हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदाकिनी इस वीडियो में है और बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा गाना गाया। I'm so impressed। नहीं पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं मुझे करना है, राखी जी ने बोले कि तुम मैंने फोर्स किया, मैंने कहा यू हैव टू बी देयर बिकॉज़ सिंगर हो ना, सॉन्ग में अगर सिंगर आ जाते हैं तो इट्स अ ट्रेंड ना, जरूरी है। हाँ नहीं कि तो अगर हमारी सिंगर वीडियो में रहेगी तो और खर्चा करेगी ना उसे रिलीज करने के लिए, वो जरूरी है। बिल्कुल। और आप लोग ऐसा ब्लेसिंग्स कीजिए, ऐसा गाना बनते रहे, ऐसा हम लोग काम करते रहे और ऐसा मिलके बहुत सारे काम करें। आगे आने वाले समय पे भी मैं ये चप्पन छुरी मूवी बनाने वाली हूँ। मैं ये चप्पन छुरी के नाम को रजिस्टर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। गाना पहले बना, मूवी बाद में बनेगी। चप्पन छुरी मतलब वो जितने भी छुरी की अदाएं हैं, मिर्ची की अदाएं हैं, तिखी हैं, मतलब कातिल निगाहों से कत्ल करती हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी, आपकी टीम बहुत अच्छी है। और मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो व्हाट्सएप पे हैं, जो यूट्यूब में हैं, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे हैं, तो मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि मैं छप्पन छुरी गाना लेकर आई हूँ। सो आजकल सोशल मीडिया इज़ द नंबर वन, यू नो, तो सोशल मीडिया आप ही को बनाती है और आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देती है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि छप्पन छुरी वीडियो आ चुका है, आप इस पर डांस कीजिए अपने स्टाइल में। आप कैसे डांस कर सकते हैं, मैं पांच लड़के पांच लड़कियां इनके साथ, जो भी जिसका भी बेस्ट डांस हुआ मैं उनके साथ डेट पर जाऊंगी। और मेरा वादा है, लोग वादा करके जाते नहीं है, आपको तो पता है कि मैं बोलती हूँ तो मैं करती हूँ। पांच लड़का पांच लड़की जो राखी जी चूज करेंगे उनका जाना आना खाना पीना सब हमारे तरफ से। उनके एयर टिकट, बिल्कुल एयर टिकट, रहना खाना पीना सब कुछ। और मेरे पति को बुरा भी नहीं लगेगा, चिंता ना कीजिए। नहीं ये बुरा क्यों लगेगा, डेट पे जा रही हूँ बाबा, बाबा शादी के बाद डेट पे जा रही हूँ। टिकटॉक पे जितने सारे इतने अच्छे डांसर्स है और राखी जी तो एक रिनाउंड ऑलरेडी रिनाउंड आर्टिस्ट है, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट है। और छप्पन छुरी इतना अच्छा गाना को, राखी जी के गाने को अलग, हम उनको हमारे दूसरे फिल्मों जो छप्पन छुरी फिल्म में हम उनको कैरेक्टर देंगे, उनसे डांस भी, उनके साथ डांस भी करेंगे। यस उस मूवी में हम लोग, ये पारुल जो है आपके बिना तो होगा नहीं, आप हमारी सबसे दोनों की फेवरेट है पारुल चावला, तब एक क्लैप हो जाए पारुल के लिए, पारुल के लिए प्लीज। पारुल चावला रॉक्स। और यस आप भी हमारे गाने को, हमारे चीज को जो आपके सामने लाने के लिए जो पारुल जी ने ये मेहनत की है, और रियली आई हैड्स अप पारुल जी। और ये कंपटीशन जो भी होगा ये पारुल जी के थ्रू ही होगा सब कुछ, ये जैसे आएंगे तो ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे पूरी दुनिया छाई हुई है, मेरे एक भी वीडियो मिस नहीं करती है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूंगी। और मुझे One month. हाँ भाई मेरा हनीमून होने वाला है अगले महीने, उससे पहले हो जाए। हाँ one month because अक्टूबर में I'm going to UK, उसके पहले, तो इसीलिए सबके लिए मैसेज है। लेकिन अलग अलग स्टाइल में हम लोग को हंसी आ जानी चाहिए छप्पन छुरी पे, अलग अलग स्टाइल में आप लोग डांस करें। जो राखी जी की है वो नहीं होना चाहिए, है ना, उससे हटके कुछ अलग हो आपके अपने स्टाइल। हम लोग अपनी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। यस थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच। तुम इंटरव्यू के लिए तुम नंबर और वो सब डाल सकते हो ना, तो वो दे भी कांटेक्ट था बस। तो राखी जी अकेले करें, थोड़ा मैं अपनी शादी के बारे में बात कर लूं। राखी जी, राखी जी क्या कहना चाहेंगे, मांग में सिंदूर है, राखी जी मांग में सिंदूर है आपके, काफी धमाका मचाए प्रेस वालों से, नाखुश है आप? बिल्कुल, मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे गले में मंगलसूत्र है और ये मेरी शादी की रिंग है। एक्चुअली थोड़ी लूज है क्योंकि ट्रायल नहीं किया था इसीलिए, और मेरी चूड़ियां हैं आप देख सकते हैं। हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी कर ली है और मेरे हस्बैंड का नाम है रितेश, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू रितेश, और वो मुझसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक्स टू माई बॉलीवुड, थैंक्स टू माई मीडिया के मुझे, मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे जनता तक पहुंचाया, और
पता नहीं मेरे हस्बैंड को मुझसे कब प्यार हो गया, वो मुझे छुप छुप के देखते थे मेरे इंटरव्यूज़। वो कहते कि हर इंटरव्यू तुम एकदम बेबाक बोलती हो, तो उन्हें मुझ में दो तीन चीज़ें पसंद आई है। मैंने उनको कहा आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, सब तो कहते तू तो बहुत बेबाक है, बहुत बेबाक है। बहुत सारे लोग तो स्वयंवर के बाद शादी करने से डरते थे कि उनको ऐसा लगता था बाप रे पता नहीं क्या हो जाएगा करके। मैं लड़की नहीं एक शोला हूँ, तो कहते नहीं मुझे बेबाक लड़की बहुत पसंद है, मुझे आप बहुत पसंद है। वो मेरे फ़ैन थे, मुझे व्हाट्सएप पे वो मुझे मिले, व्हाट्सएप पे हमारी मुलाकात हुई। वो मुझे रोज़ मैसेज भेजते थे, दिन में दो दो बार दो दो हज़ार टाइम यू नो आई लव यू भेजते थे। और पिछले एक साल से ये हमारा यू नो लव चल रहा है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। क्या आप सोच सकते कि मैंने अपने फ़ैन के साथ शादी करी है? कोई अपने फ़ैन के साथ शादी करता है? नहीं। मैंने ना उनका बैंक बैलेंस देखा, ना उनको देखा था, ना उनके परिवार को देखा, ना कुछ देखा। बस मुझे उनमें सच्चाई नज़र आई। हर शादी, हर लड़की शादी तब करती है जब हर बैकग्राउंड देखती है, हर चीज़। मैंने ब्लाइंडली शादी करी, और जब शादी के मतलब तब पता चला कि ओ माई गॉड इज माइंड ब्लोइंग एंड मेरे हस्बैंड इट्स अमेजिंग। लेकिन दीपक कलाल के बारे में आपने ऐसे ही बोला था, एक सबसे अलग है दुनिया में, अलग है, और दीपक कलाल होते हुए नजर आए कुछ दिन पहले। आपने बोला बहुत प्यार करते हैं मुझे, हनीमून के लिए जाने वाले हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास, सब चीजें। नहीं नहीं, दीपक कलाल का तो ही इज लाइक माय ब्रदर, मेरा भाई है वो। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये कहते हैं कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई है। कैसे? क्या हुआ ऐसा? हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो जहाँ जाता है लोग उसे बहुत पीटते हैं। वो अपने पेरेंट्स के अंडरगारमेंट्स चुरा के ये सारी हरकतें पहनते हैं, जहाँ जाते लोग उन्हें पीटते हैं। तो ही इज लाइक माय ब्रदर, मेरे भाई हैं। और दीपक कलाल को बहुत जल्द वो बिग बॉस में भी दिखेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटलों से मैंने गुजारिश की है कि कोई भी इंसान अगर उन्हें किडनी गिफ्ट करता है तो दैट विल बी सो गुड। आपकी मैरिज में भाई साहब आए क्या? मेरे मैरिज में कोई नहीं आया। नहीं, दीपक कलाल जो आपके भाई बने? कोई नहीं, मेरे मैरिज में सिर्फ मेरा भाई आया। मेरा सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली थी। मैं क्षमा चाहती हूँ मीडिया से कि मैंने छुप छुपा के शादी करी। 28 जुलाई को JW मैरिट में मेरी शादी हो गई। एक हमने कोर्ट मैरिज करी, और एक मैं जीसस को बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने क्रिश्चियन स्टाइल में करी, और हमें मेरे हस्बैंड हिंदू है तो हम लोग हिंदू स्टाइल में करी। तीन स्टाइल में हमने शादी करी। मीडिया कैसे सच मानेगी इस बात को? इस चीज़ के लिए बड़े, अब अगले साल मैं आपके सामने तीन बच्चे पैदा करूँगी तब आपको समझ जाना कि हो गई है भाई। नहीं रियली मॉम स्वेयर मेरी शादी हो गई है, कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अगले साल देखिए जी, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड एक साइंटिस्ट भी है, और मैंने हमेशा उन्हें कहा कि आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा, तो कहते हैं कि राखी तुम बहुत क्यूट और बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे करण अर्जुन बहुत पसंद है। मैंने कहा व्हाट? हाँ, आपके करण अर्जुन, कटरीना और विशाल शेखर बहुत पसंद है। मैंने कहा ओके, आई लव यू।